का बंदोबस्त देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है और केरला से भी होगा, लगे लगा बंगालोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया, मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था बिहार में, हमारे टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है, जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट है होता है तो रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। चौथा, मैंने एंटी कोल्यूशन डिवाइस ट्रायल किया था, मैं खुद हम मडगांव में गया था गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था एक्सीडेंट एकदम। वो ऐसा है एंटी कोल्यूशन डिवाइस कि दो एक लाइन में दो ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा, अगर कोई कुछ भी हो सकता है एंटी कोल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितने तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कोल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, जिसका प्राण चला गया है उसको तो जिंदगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी। जो परिवार मर गया, हर परिवार और को नौकरी दिया था।